इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या कर रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, तो ये रहा आपका ट्राइंगल, एकदम स्ट्रेट लाइन, तीन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एकदम तीन सीधा लाइन से बनेगा एक ट्राइंगल। इसे मैं मान लेता हूं ए बी सी, मान क्या लेता हूं, क्वेश्चन में गिवन में दिया है ए बी सी है, तो आप दूसरा कुछ नहीं मान सकते हो। अगर रहता केवल ट्राइंगल तब तो कुछ भी मान लेते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई करना है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या अप्लाई कर दिया है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो है लेकिन ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ही मानेंगे, दूसरा चीज नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए, हमें फाइंड द एंगल्स, यानी कि ये सब एंगल निकालना है, कोण निकालना है, कौन कौन कोण निकालना है, ये एक कोण, ठीक, फिर ये दूसरा और ये तीसरा कोण निकालना है, ठीक है, किसके मदद से, इसके मदद से, देखिए जो गिवन में दिया रहता है ना उसे हेल्प लेते हैं, नहीं तो ये क्यों दिया है फालतू में, ठीक है, जरूर इससे कुछ वर्क करेंगे, ये जरूर हमें हेल्प करेगा, तब ना ये दिया है क्वेश्चन में, नहीं तो ये फालतू में क्यों दिया रहता है। इसे अपने लोग को काम निकालना है, इसे काम लेंगे, एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा, ठीक है। अच्छा, तो लिखेंगे गिवन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हिंदी मीडियम से है तो प्रश्न से, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन लगभग में सेम रहता है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो उसको बना दीजिए कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 65 डिग्री, और या एवं या तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों निकाले, हो गया हिंदी मीडियम, मेन कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, मीडियम से कोई बहस नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे गिवन, गिवन लिख देंगे जी आई वी ई एन, गिवन, गिवन में क्या है, ये एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना 65 डिग्री, इसे मैं कुछ मान लेता हूँ, चलिए इक्वेशन वन मान लेता हूँ, इक्वेशन वन यानी कि समीकरण एक मान लिया, ठीक है। फिर ये रहा, इसको भी मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, इसको भी यहाँ पे उतार देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, देखिए ये चार मैंने इसे लिखा ना, क्वेश्चन में इसे दिया है, ठीक है, इस फॉर्मेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन कितना हो गया, दो हो गया, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, यानी कि समीकरण एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, जब कभी भी इक्वेशन वन टू का सवाल सब आता है, कि जब भी जोड़ते हैं ना तो ऐसे, मतलब राइट को राइट में जोड़ते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते हैं, यानी कि दाया को दाया से, बाया से बाया से को जोड़ते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया राइट हैंड, तो इधर क्या है, राइट है, ठीक है, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड, तो इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो राइट को राइट से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, क्लियर। तो कैसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए, तो पहले ये है लेफ्ट में लिखा हुआ, इसे मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, इसे मैं ऐसे करके उतार लेता हूँ, इसको मैं ऐसे करके उतार लेता हूँ, फिर मैंने अभी क्या बताया, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, तो इस दोनों को इधर जोड़ेंगे, ये कलम है ना, इसके इधर है लेफ्ट, तो इधर सब कुछ होगा, इधर वाला के इधर सब कुछ जोड़ेंगे, तो ये रहा, फिर यह रहा, तो इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे बराबर, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये कलम के इस साइड में दाया है, यानी कि राइट हैंड है, तो राइट हैंड को राइट हैंड के साथ सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 65 डिग्री, प्लस डिग्री लगा दीजिए, ठीक है, एंगल को मेजरमेंट करते हैं डिग्री में, यानी कि कोण को मापते हैं डिग्री में, ये हो गया। अब इसको कोष्ट से खोल दीजिए, ब्रैकेट से निकाल दीजिए, इसको ये रहा यहाँ पे, ऐसे करके इसको ब्रैकेट से निकाल दीजिए, क्लियर। यहाँ पे क्या है, 65 है, 140 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 205 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए ये बेसिक है, आप 9th क्लास में हो, ठीक है, 9th क्लास में गए हो, तो ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है, बेसिक है, ठीक है, इस समय भी ट्रेन नहीं चलाने लगी है कैसे करके, कि ये रहा आपका 140, ठीक है, और फिर 65, और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, और एक यहाँ पे 5 जीरो को जोड़ेंगे तो 5, और फिर यहाँ पे 2, तो इस छोटा मोटा है, तो इसमें उतना पेन नहीं चलाना, मन में करना है, ठीक है। चलिए, 9 बराबर, ये एंगल ए है, देखिए यहाँ देखिए ये एंगल है, फिर एंगल बी है, एंगल बी है, और फिर एंगल सी है, फिर एंगल सी है,
ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा वाला है, दो भी है ना, एक्स्ट्रा वाला मतलब इसको मैं ब्रैकेट में ले लिया वापस से, अब ब्रैकेट में नहीं लो आपका मर्जी, ठीक है, इस बी को मैंने सेट कर दिया, देखिए दो भी है ना, एक भी यहाँ एक भी यहाँ, तो एक बार में इतना घसना नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए फील देने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी, इसको मैंने एक जगह लिख दिया, और ये जो है ठीक है एक एक्स्ट्रा इसको मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बराबर देखिए, ये वापस से 205 में उतार दूंगा एच ई टी वही का वही, ठीक है 205 डिग्री, ओके। अब देखिए ये त्रिभुज है, और आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का सभी एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये रहा आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल है ना ए बी सी, तो ट्रायंगल में सभी कोणों का सम कितना होता है, वी नो दैट ऑल, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्रायंगल आर 180 डिग्री, तो ये जो है ट्रायंगल ए बी सी सबको जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। इसको एज इट इज वही का वही उतार देंगे, एंगल भी 205 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन समीकरण, एंगल भी 205 डिग्री, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता, प्लस अगर बराबर के इधर जाएगा तो माइनस होगा। मैंने आपको क्या बताया कुछ देर पहले कि मतलब ये बेसिक आपको आना चाहिए, तो बेसिक में तो अलजेब्रा का जोड़ घटा गुणा भाग, इक्वेशन जोड़ घटा गुणा भाग, जनरल वाला विद विद यानी कि जनरल वाला भी आना चाहिए जोड़ घटा गुणा भाग, और अलजेब्रा वाला भी आना चाहिए, ठीक है। फिर इक्वेशन आना चाहिए, फिर स्क्वायर रूट आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, तभी आप ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट होगा नाइन्थ का। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तब आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए बेसिक आपको आना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम की बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा का तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर यानी कि इसलिए 205 में से क्या घटा देंगे, 180 घटा देंगे, तो 205 में से 180 गया तो क्या होगा, 25 डिग्री होगा। मैंने बोला ना कि नॉर्मल वाला आपको आना चाहिए, बाकी आपको पेन चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल बी हो गया, यानी कि एंगल बी निकल गया, मैं रेड पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने एक्स्ट्रा में क्या ऐड किया, ठीक है। तो ये 25 डिग्री हो गया, यहाँ पे मैं 25 डिग्री दिया, ठीक है। पहले से ब्लू वाला था लेकिन अभी मैंने रेड दे दिया, तो एक्स्ट्रा मैंने जो दिया ना उसको मैं रेड पेन से शो करूंगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, कितना हो गया ये 25 डिग्री, समझ गए ना, इसका कितना हो गया सम 180 डिग्री, जोड़ तो जोड़ बी तो बी, बराबर तो बराबर 205 डिग्री। अब यहाँ से आके इक्वेशन समीकरण, बी का वैल्यू निकालेंगे 205, प्लस इधर गया तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, 180 डिग्री, एंगल बी 205 में से 180 गया तो कितना हो गया 25 डिग्री, बी का वैल्यू हो गया 25 डिग्री, क्लियर। अच्छा अब आगे देखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बी तो निकल गया, बी निकल गया, अब अपने लोग को क्या चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए, क्लियर। अच्छा देखिए, तो बी निकल गया, तो आप अब क्या निकालेंगे, पहले ए निकालिए या सी निकालिए या पहले सी निकालिए या ए निकालिए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो अब मान लीजिए, देखिए अगर बी का 25 डिग्री है तो इस दोनों में से किसी में भी अगर मान लीजिए इसमें अगर हम भरते हैं तो एक नहीं निकल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री इन पुटिंग इक्वेशन वन, ठीक है। यानी कि बी का मान 25 डिग्री समीकरण एक में भरने पर, एक में भरेंगे, लैंग्वेज के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ये लिख दीजिए, सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वेशन वन, यानी कि समीकरण एक में बी का मान रखने पर, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन द इक्वेशन वन, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैंने लिखा एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री इन पुटिंग इक्वेशन वन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक में भरेंगे ना, एक पहले उतारेंगे ऐसे करके, एक उतारेंगे, ये एंगल है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे 65 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए तो ए रहेगा, ठीक है, बी तो बी का वैल्यू यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से देखेंगे बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया 25 डिग्री होगा, ठीक है। ऊपर में अपने लोग शो भी करती हैं सर को बताने के लिए, टीचर को बताने के लिए कि मैंने बी कहाँ से लिया 25 डिग्री, इक्वेशन वन से लिया है, मतलब बी का मान 25 डिग्री किस में भरा है, इक्वेशन वन में भरा है, इसमें भरा है। फिर मैंने बी कहाँ से लिया, बी यहाँ से लिया, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे यह 65 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पर एंगल ए हो गया, बराबर ये 65 डिग्री हो गया, प्लस इधर गया तो फिर माइनस हो जाएगा,
ठीक है, प्लस इधर गया तो माइनस, माइनस इधर गया तो प्लस, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन हिंदी में, पंचांतरण या स्थानांतरण। क्लियर। फिर यहाँ पे ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ये 65 है, 25 है, घटा के कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ भी निकल गया, ए का वैल्यू भी 40 डिग्री निकल गया, ए का वैल्यू भी क्या निकल गया 40 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ से आगे दो तरीका बना सकते हैं, ठीक है, कितना तरीका, दो तरीका ये बना सकते हैं कि देखिए ट्रायंगल में सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ए को जोड़ेंगे, एंगल बी को जोड़ेंगे, एंगल सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए दिया है 40 डिग्री, ठीक, एंगल बी दिया है 25 डिग्री, ठीक है। अब फिर यहाँ पे सी का निकालने के लिए कह रहा है, तो सी रहेगा, ठीक है, फिर 180 डिग्री, फिर दोनों को जोड़ेंगे 40 25 65 हो जाएगा, 65 जोड़ एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री, एंगल सी का जो निकालेंगे 180 डिग्री, अब प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 180 है, ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या है 65 है, 180 में से 65 गया तो कितना हो गया, 180 में से 65 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, 180 में से 65 जाएगा तो 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, तो ये आंसर अब करके भी देखो, ठीक है, 5 2 165, क्लियर, 65 है ना, सॉरी 180 में से 65 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर 5 ये इसको दिया था, 7 को 6 गया तो 1, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर 115 हो गया। आप अगर ऐसे भी बना सकते हैं, मेरे कहने का मतलब अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे अगेन लिखो या सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली यानी कि डबल ट्रिपल वाई, ट्रिपल एल और वाई, ठीक है, सिमिलरली, तो सिमिलरली में लिखो सिमिलरली पुटिंग, इसी प्रकार पुटिंग एंगल ए इजकल टू 40 डिग्री इन इक्वेशन 2 में भर दो, 2 में क्योंकि 2 है माइनस सी है 2, ठीक है, तो 2 में ये है ना एंगल बी प्लस एंगल सी इसका टू कितना है 140 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब एंगल बी यहाँ से कॉपी करेंगे जो निकाले थे, यहाँ से कॉपी करेंगे, एंगल बी कितना है, एंगल बी है 25 डिग्री, ठीक, फिर एंगल सी यहाँ पे 140 डिग्री, अच्छा, फिर यहाँ पे ये 140 है, ठीक है, 140 है, फिर यहाँ पर इसलिए एंगल सी तो कितना जाएगा 140 डिग्री, प्लस इधर जाएगा तो फिर माइनस, 140 में से 25 घटेगा तो कितना जाएगा 115 डिग्री, ठीक है, 140 में से 125 गया तो कितना हो गया 115 डिग्री हो गया, ठीक, तो हो गया। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, ये तो गया ना, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, यहाँ पे समझ गए ना, अब यहाँ पे लिख देंगे, हेंस देखे ये लेन पक्का लिखिएगा, ठीक है, हेंस देखे लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, फिर एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री और एंड एंगल सी इक्वल टू